महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन के समय कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो इस समय जो भी कोई भूखा है उसको भोजन वितरित किया जाए। इसको लेकर महेंद्रगढ़ में अनेकों सामाजिक संगठन इस कार्य में जुटे हुए हैं। महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य सामान और दवाइयों को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। पुलिस की PCR चारों तरफ घूमकर लोगों को जागरूक कर रही है और उनकी आवाजाही पर नजर रख उन्हें नियंत्रित करती नजर आ रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को मेंटेन करने में मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। बाहर से आए प्रवासियों के लिए प्रशासन भी रैन बसेरे बनाकर उनके ठहरने की व्यवस्था कर रहा है। पैदल रोडों से जा रहे हैं, उनको शेल्टर होम में छोड़ा जाए, उनको आगे नहीं जाने दिया जाए। तो इसी आदेशानुसार मैंने हमारी टीम ने करीब 25 आदमी मैंने RPS स्कूल शेल्टर होम में शिफ्ट किए हैं, 23 आदमी मैंने यहाँ यादव धर्मशाला में शिफ्ट किए हैं और ये करीब 14 जो बरेली UP से हैं उनको मैंने बंसीधर धर्मशाला में शिफ्ट किए हैं। लॉकडाउन के समय नगर में कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए बहुत से सामाजिक संगठनों द्वारा भोजन बनाया जा रहा है। मंडल का एक ही उद्देश्य है कि शहर महेंद्रगढ़ में कोई भी गरीब ऐसा है, कैसा भी बाहर से आया है, हमारे यहाँ के शहर का है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे मंडल का यही उद्देश्य है और कोरोना से जो है हम लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और अभी तक ये हमारे शहर के लोगों का सहयोग है। जो अभी तक कोरोना का एक भी मरीज सेंसिटिव हमारे जो शहर में पाया नहीं गया है। पूर्व सैनिक अमर सिंह ने बताया कि वो बीमार है और इलाज करवाने के लिए ECSH केंद्र में गया था, लेकिन वहां उसे कोई दवाइयां नहीं मिली। का मरीज हूँ मैं और दवाई लेने के लिए आया था, नट गए, बोले यहाँ दवाई नहीं मिलेगी। मॉल खरीदो, बोला मॉल खरीदो। लॉकडाउन के दौरान किसी को कोई समस्या न हो, इसके लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन सरकार और प्रशासन को मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे वो आम लोगों की सेवा कर सके और कोई भी महेंद्रगढ़ में भूखा न रह सके।